हेलो क्लास नाइन, गुड मॉर्निंग। हम लोग लीनियर क्वेश्चनिंग वन सॉरी टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं क्लास नाइन के लिए। एनसीईआरटी के बुक से सॉल्यूशन चल रहा है एक्सरसाइज 2.4 का, ठीक है। लीनियर क्वेश्चनिंग टू वेरिएबल का जो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। 4.1 का सॉल्यूशन भी दे दिया था, अभी 4.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में, ठीक है। साथ में जिन लोगों का कंसेप्ट छूट गया, वो साथ में मैं कंसेप्ट भी बता दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपने चैनल को, उनको बता दो कि अपने चैनल पे 9-10 के लिए एनसीईआरटी आर्य सबल के बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे एक्सरसाइजेज का पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सॉल्यूशन दे दिया है विद कंसेप्ट। तो वो जरूर देखें आप, बहुत मदद मिलेगी आपको। अभी अपने पास में एक्सरसाइज 4.2 है, देखना है क्या करना है इसमें, क्वेश्चन क्या सब कहता है। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है। अब तुमसे पूछ रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसका ओनली टू सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर हम x का कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू हम क्या डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 etc, ठीक है। तो जितना बार भी तुम x का नया वैल्यू डालोगे, जैसे x इक्वल टू 1 डाला तो 3, 1 जा 3 प्लस 5, 8, तो y कितना आ गया, 8। जैसे x इक्वल टू 1 डालते हैं तो y 8 आ जाता है। ऐसे ही x इक्वल टू 2 डालते हैं तो 3, 2 जा 6, 3, 2 जा 6 प्लस 5। तो x इक्वल टू अगर हम 2 डालते हैं तो y कितना आता है हमारे पास में, 3, 2 जा 6 प्लस 5, 11। ऐसे ही 3 डालेंगे तो एक नया सॉल्यूशन आएगा, 4 डालेंगे तो एक 4 डालेंगे एक्स के जगह पे तो वाई कुछ नहीं आएगा। मतलब ऐसे जो सेट्स होंगे सॉल्यूशन के, ये बहुत सारे मिलेंगे। जितना बार तुम एक्स का नया वैल्यू डालते हो उतना बार तुमको नया सेट मिलता है, ठीक है। तो ये जो सेट्स हैं इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये जो सेट है एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 8, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन मिला, दो सॉल्यूशन मिला, फिर एक्स लेंगे तो वाई कुछ नया आएगा, तीसरा सॉल्यूशन, फिर एक्स 4 लेंगे तो एक नया सॉल्यूशन आएगा, 5 लेंगे तो नया सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है। 4-4 सॉल्यूशन सबका लिखने के लिए बोल रहा है, सबका 4-4 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, बात को समझ लो। पहला 2x प्लस y इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि y को रखते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, 7 माइनस 2x, ठीक। अब x इक्वल टू 1 लेके देखो तो y कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2, इंटू एक्स के बदले 1 डालना है, ठीक है। तो 7 माइनस 2 कहने का मतलब 5, ठीक। x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं तो y 7 माइनस 2x, तो x के जगह पे 2, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। फिर x इक्वल टू 3 लेके देखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2x, तो 2x के जगह पे 3। यहाँ से x का वैल्यू पुट करते जाना है बस, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू 4 लेते हैं या x इक्वल टू 0 ले, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव 0, तुमको जो मन में आए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2, x के जगह पे 0, 7 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो तुम्हारा जो कितना बोल रहा है, 4-4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 पहला सॉल्यूशन, दूसरा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तीसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, चौथा सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या यार, कितना छोटा सा मिस्टेक, देखो 7, y इक्वल टू 7। तो ये 4 सेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही ये तो काफ़ी आसान है, यहाँ से सिंपली हम क्या करने वाले हैं, 4y इक्वल टू x, x इक्वल टू 4y, तो 4y इक्वल टू x, y इक्वल टू x बाई 4। अब सिंपली तुम ऐसे ही x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 लेके देख लो, जो भी लोगे तुमको y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। खास करके तुम x का ऐसा वैल्यू लेना कि जो 4 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो x इक्वल टू तुम क्या सब ले लेना, पहले तो 0 लेना, क्योंकि 0 बाई 4 0 हो जाएगा। तो अगर x 0 लेते हैं तो y कितना हो जाता है, 0
बाई 4 इक्वल टू 0। अगर हम x 4 लेते हैं तो y कितना हो जाता है, 4 बाई 4 1। ऐसे ही तुम दो सॉल्यूशन अपने मन से अब लेना, x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 12। ठीक है, अब तुम क्या लेना है, 8 और 12 लेना है, दो सॉल्यूशन यहाँ से हमें निकाला हुआ, दूसरे वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे पाई लगा हुआ, तो पाई लगा हुआ तो कोई बात नहीं है, पाई है तो पाई ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई x। एक मिनट रुक जाओ भाई, आपका साउंड क्लियर आ रहा है? ठीक, अब हमारा जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम x इक्वल टू 0 लेते हैं सबसे पहले, तो y कितना आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0, मतलब 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। तो पहला सॉल्यूशन क्या बना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा, ये पहला सॉल्यूशन बन गया। दूसरे में क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या डालना है तुमको ये पता नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं है, तो अपने मन से तुम 22/7 नहीं ले सकते हो। पाई है तो पाई रहने दो ना, आंसर मैच नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो तुम कोई भी चार सॉल्यूशन चाहिए तुमको, इनफाइनाइट में से कोई भी चार तुम लोगे तो आंसर में जरूर नहीं कोई चार लिखा हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर x इक्वल टू 1, चलो 1 ले लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1, ये सिंपली इतना ही रह जाएगा, 9 माइनस पाई। ठीक, तो ये और y इक्वल टू ये थोड़ा सॉल्यूशन हो गया। फिर x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, 9 माइनस पाई इंटू 2, कहने का मतलब 9 माइनस 2 पाई। अब यहाँ पे पाई के वैल्यू मत डालना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई टीचर तो आपको कह सकता है कि भाई पाई का वैल्यू तुम डाल दो। देखो पाई का वैल्यू हम तभी डालते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में इंडिकेट किया रहता है कि पाई का वैल्यू आप 3.14 लेना है या फिर पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है, मेरे को आंसर भी मैच नहीं करना है। तो सिंपली सीधा कर लो, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चौथे में सॉल्यूशन कर लो x इक्वल टू 3, तो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 3, 9 माइनस 3 पाई हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, चेक विच आर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट, तुमको चेक करना है कि इसका ये जो इक्वेशन है इसके कौन कौन से सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली LHS में चलेंगे। ठीक है, कहाँ से चलेंगे, पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में x कितना है, 0, y कितना है, 2। देखो ये x होता है ये y होता है, हमेशा याद रखना, पहले वाला x दूसरा वाला y, तो x 0 y 2 है। अब हम चलते हैं LHS से, LHS में क्या लिखा हुआ हमारे पास में, LHS ये है, ये है LHS, x माइनस 2y। जब भी किसी सॉल्यूशन को वेरीफाई करना पड़ता है तो तुम LHS से चलो और तुमको RHS वाला चीज़ मिलना चाहिए x y का वैल्यू डालने पे, तो हम वेरीफाई मतलब वेरीफाई कर पाते हैं। तो मेरा LHS क्या है, x माइनस 2y। ठीक है, अब हम वैल्यू डालते हैं, x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पे 2, तो 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, आपका RHS नहीं आया, आपका RHS 4 है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि भाई ये तो हमारे RHS के बराबर है ही नहीं, नॉट इक्वल टू RHS, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि तुमको माइनस 4 आ गया, तुमको 4 होना चाहिए था। दूसरे क्वेश्चन में x कितना है, 2, y कितना है, 0, यहाँ से x 2 y 0। अब फिर चलते हैं LHS में, LHS, x माइनस 2y, x के जगह पे 2, माइनस 2 इंटू y के जगह पे 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, ये नॉट इक्वल टू योर RHS, इसलिए ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है, x 4 y 0, पहले x तब y, अब तुम्हारा LHS क्या कहता है, देखो LHS है x माइनस 2y, x कहने का मतलब 4, 2 y कहने का मतलब यहाँ से 0, 4 माइनस 0 बराबर 4, ओहो ये तुम्हारा RHS है, मतलब ये तुम्हारा सॉल्यूशन है,
ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। चौथे नंबर पे चलते हैं, एक्स रूट टू वाई फोर रूट टू, तुम्हारा LHS क्या है, एक्स माइनस टू वाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्या है रूट टू माइनस टू, वाई क्या है फोर रूट टू, फोर रूट टू। एक्स के जगह पे रूट टू माइनस टू वाई, तो टू वाई की जगह पे फोर रूट टू। अब फोर टू जा, ठीक है, अब जो घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस सेवन रूट टू। भाई ये तो बिल्कुल भी हमारे RHS जैसा नहीं है, बाप बेटे जैसा है दिख ही नहीं रहा है, मतलब बताए किसी और का, मतलब ये तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, जगह नहीं बचा यहीं पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे x भी वन है y भी वन है, ठीक है, मतलब गवाह भी मैं ही और अदालत भी मैं ही। तो LHS में चलते हैं, x माइनस टू वाई, एक्स कहने का मतलब वन टू, वाई कहने का मतलब भी वन, तो वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। भाई ये तो आपके RHS के बराबर नहीं है, मतलब ये भी तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है। तो तुम्हारा सॉल्यूशन कौन सा था, ये सॉल्यूशन था तुम्हारा, ये वाला। ऐसे वेरीफाई करना ऐसे ही, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा दोगे गलती हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है, साउंड जा रहा है, थोड़ा साउंड कम आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, तुम थोड़ा साउंड बढ़ा के रखो, क्योंकि मैं ज़्यादा साउंड बढ़ाऊंगा तो एक दिन में एक से दो वीडियो बना पाऊंगा, ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा, इसलिए साउंड अपना बढ़ा के रखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस, ठीक है, तुमसे के का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से के का वैल्यू बताइए। अगर आपका सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू वन है, तो सॉल्यूशन को अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारा जैसे का तैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, मतलब सॉल्यूशन का लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाता है, चेंजिंग मतलब एक्स वाई तो हट ही जाएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट क्या होगा, बराबर ही रहने वाला है। तो मेरे पास में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 2 x की जगह पे क्या डालते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 y की जगह पे 1 डाल देते हैं, ये किसके बराबर रहेगा, k के बराबर ही रहने वाला है। मैंने क्या कहा कि जो था वही रहेगा, सिर्फ x y के जगह पे वैल्यू डाल देना है, 2 टू जा 4, 3 वन जा 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू के, इसीलिए k इक्वल टू 7, ये k का वैल्यू निकल गया तुम्हारा, ठीक है। तो तुम सब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रोसेस यही रहेगा, सॉल्यूशन जो है उसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो बचेगा वही आंसर आएगा उसका। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ग्राफ ड्रॉ करना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो पहले आपको एक्स और वाई का मतलब इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, कम से कम दो सॉल्यूशन तुमको निकालना पड़ेगा, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन ही चाहिए ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि कैसा इक्वेशन है, देखो लीनियर इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर, लीनियर का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ मेरे को दो पॉइंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन खुद से ड्रॉ हो जाएगा, सिर्फ दो पॉइंट चाहिए। तो दो पॉइंट के लिए, दो पॉइंट मतलब ये दो जो पॉइंट होगा ये सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, तो तुमको इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन, इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, दो दो सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या है भाई इक्वेशन हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, इसीलिए वाई इक्वल टू फोर माइनस एक्स, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, एक डब्बा बना लेना, ठीक है, ऐसे टेबल, इस टेबल में यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई लिखेंगे और दो ही ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू वन लेते हैं, तो x वन लेंगे तो चार में से एक घटेगा, क्योंकि x की जगह पर हम क्या लेने वाले हैं, वन लेने वाले हैं, तो चार में से एक घटेगा, तो y कितना बचेगा, तीन बचेगा। तो थोड़ा बक्सा भाई सीधा कर लेते हैं, तिरछा बन गया यार, मतलब सब कुछ ठीक है, लंबा टेढ़ा बन गया, रुक जाओ, अब सही है, अब सही लग रहा है, x
वाई, एक्स हमने कितना लिया, वन लिया, तो एक्स वन लिया तो चार में से एक घटेगा तो वाई कितना बचेगा, तीन बचेगा। दूसरे बार में हमने एक्स टू लिया, एक्स क्या लिया, टू, तो चार में से दो घटेगा तो वाई कितना बचेगा, दो बचेगा। ये तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ को लाते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई, ग्राफ कहाँ चला गया हमारा, तो देखने में एक मिनट। यार बहुत सारा ग्राफ का अपना अपना था यहाँ पे, पेज बना हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया। जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा सब्र करो भाई। ये देखो ग्राफ है अपने पास में, एक मिनट रुक जाओ भाई। देखो भाई ग्राफ वाला पेज आ चुका है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि ये दो पॉइंट को ग्राफ पे ढूंढ लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी दो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू थ्री। देखो एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू थ्री, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू थ्री। दूसरा पॉइंट देखो एक्स टू वाई टू, मतलब एक्स भी टू चाहिए और वाई भी टू चाहिए। तो एक्स एक्स एक्सिस ये हुआ, यहाँ पे टू और वाई यहाँ यहाँ पे टू, तो ये पॉइंट तुम्हारा मिल गया, ठीक है। अब तुम कोशिश, तुमको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है, स्केल के साथ। चलो मैं मिला देता हूँ भाई। चलो देखो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है स्केल का यूज करके, ठीक है। ज़्यादा आगे खींचने की जरूरत नहीं है, बस हो गया, इतना काफ़ी है, ठीक। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन किसका बन गया, यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिखना होता है, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे इक्वेशन का कि x प्लस वाई इक्वल टू फोर, इसका इक्वेशन बना है। दूसरा इक्वेशन इसका है, तो इसको इसका इक्वेशन बनाना काफ़ी आसान है, ठीक। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ से क्या करने वाले हैं, x इस 2 को हम इधर ले जाते हैं, माइनस टू वाई को इधर ले जाते हैं, कहने का मतलब y इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस टू। फिर हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है, x और y कर देते हैं। अगर हम x 2 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x 4 ले लेते हैं तो 4 में से 2 घटेगा, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 4, तो 4 में से 2 घटेगा तो y भी 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये दो पॉइंट कैसे लेना पता है, तुम x का कोई दो तीन दो वैल्यू ले लो तो y का दो वैल्यू आएगा, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब चलो एक फिर से ग्राफ हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन पॉइंट्स को मार्क कर लो पहले, ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं, एक्स टू वाई ज़ीरो। अब देखो वाई ज़ीरो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, वाई इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे पूरा वाई ज़ीरो ही है, तुमको क्या करना है, सिर्फ एक्स इक्वल टू टू ढूंढना है। तो एक्स इक्वल टू टू यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे चाहो तो कॉर्डिनेट लिख सकते हो, जैसे वन और थ्री तुम लिख सकते हो, इस पॉइंट को टू और टू, तुम इस पॉइंट को टू और टू लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को हम लिखेंगे एक्स के पहले एक्स तो वाई ज़ीरो टू, फिर एक्स फोर वाई टू। तो देखो एक्स फोर, एक्स फोर यहाँ पे है और वाई टू यहाँ पे है, ये जो पॉइंट हुआ ये एक्स फोर वाई टू, तो एक्स फोर वाई टू। सिंपली क्या करना है, अब इस दोनों पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। सीधा करके, ठीक है, देखो लगभग हमारा ये दोनों पॉइंट स्केल से मिलाओगे तो पूरा का पूरा बन जाएगा। यहाँ पे लगा देना है एरो और तुम्हारा ये इक्वेशन तैयार है, ठीक है। तो इक्वेशन ड्रॉ करना कितना आसान था तुमने देख लिया ऑलरेडी, काफ़ी आसान है इक्वेशन ड्रॉ करना। यहाँ पे अब मैं इसका टेबल बना देता हूँ, तुम बना लेना। यहाँ तो ऑलरेडी टेबल हम सीधा सीधा बना सकते हैं कि इसका जो टेबल बनेगा अगर हम x और y की बात करें, अगर x 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 मतलब y भी 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, x क्या किया, x 0 लिया तो 0 इंटू 3 0, y इक्वल टू 0। अब x 1 लेंगे तो 1 इंटू 3 3, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तुम इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो और स्ट्रेट लाइन खींच दो। ऐसे ही यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल टू 3 है,
ठीक है, तो y को रखते हैं, हमने इसको उल्टा कर दिया, इसको इधर और इसको इधर कर दिया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 x। अब फिर से तुम यहाँ पे एक टेबल बना लो आराम से, ठीक है, x इक्वल टू x और y, x 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 में से 0 घटेगा तो y भी 0, सॉरी 3। बात समझ में आ गई, हमने क्या किया, एक्स जीरो लिया, तो एक्स जीरो लेंगे तो जीरो इंटू टू जीरो, और थ्री में से जीरो घटेगा तो थ्री ही रहने वाला है, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू वन लेते हैं, तो टू इंटू वन टू, तीन में से दो घटेगा तो एक, तो वाई इक्वल टू एक आ जाएगा। ये दो पॉइंट्स आ गए ऑलरेडी, अब इनको ग्राफ पे ड्रॉ करो, ग्राफ पे ड्रॉ करना तुमको आता है, अभी तुमने सीख लिया, ऐसे ही ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन 4.3,